हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास व्हाट्सएप में ये एरर आ रहा है, आपका व्हाट्सएप जो है विंडोज़ पीसी में व्हाट्सएप वेब से कनेक्ट नहीं हो रहा है, कुल नॉट लिंक डिवाइस, तो ये एरर आ रहा है, तो आप इस एरर को बहुत ही ईजिली रिमूव कर सकते हैं आपके एंड्रॉयड फ़ोन में से। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको एंड्रॉयड फ़ोन की सेटिंग में जाना है, फिर आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको ऐप्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मैनेज ऐप्स के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको सर्च बार में टाइप करना है व्हाट्सएप। उसके बाद आप जो है व्हाट्सएप को क्लिक कर ओपन कीजिए। फिर आपको फोर्स स्टॉप के ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है। उसके बाद आपको क्लियर कैचे के ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है। दोस्तों, आपको क्लियर डाटा नहीं करना है। फिर आपको जो है यहाँ पर ऐप परमिशन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको चेक करना है सारे परमिशन अलाउड है या नहीं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास इतने सारे परमिशन यहाँ पर अलाउ है, तो आप भी जो है चेक कीजिए आपके पास सारे परमिशन अलाउ है या नहीं। फिर आपको बैक आना है और आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिस्ट्रिक्ट डाटा यूसेज, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर इन दोनों बॉक्स में आपको चेक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इन तीनों बॉक्स में चेक करना है वाईफाई एंड मोबाइल डाटा, फिर ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप अपने फ़ोन में जो है प्ले स्टोर ऐप को ओपन कीजिए और यहाँ पर सर्च बार में आपको टाइप करना है व्हाट्सएप। उसके बाद आप इसको क्लिक कर ओपन कीजिए। आपके पास व्हाट्सएप अपडेट शो हो रहा है तो आप उसको अपडेट कीजिए, आपके पास व्हाट्सएप अप टू डेट होना चाहिए। फिर आप अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इजीली व्हाट्सएप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, तो लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।